हेलो फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास TVS अपाची RTR 164 भी है। यहाँ पे देख पा रहा होगा आपको 4V, बट इसमें जो रीज़न है बहुत ही कॉमन, ये बहुत से गाड़ियों में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसमें जो है एग्जॉस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बहुत से साउंड आ जाता है इसमें। तो इसका पहले सबसे पहले हम प्रॉब्लम दिखाएंगे किस तरह से इसमें प्रॉब्लम है, फिर आपको बताएंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। हो सकता है इसका एग्जॉस्ट चेंज भी हो सकता है, तो देखते हैं इसको कंपनी की रिकमेंडेड मिल पाता है या नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है अभी वारंटी में है। तो फाइनली इसका सबसे पहले साउंड सुनाते हैं। बहुत से भाई को इरीटेट साउंड लगता है, क्योंकि 4V में बहुत ज़्यादा इसमें डबल हॉल दिया होता है, जिससे जाली छूट जाता है, उखड़ जाती है, जिससे साउंड करता है। सबसे पहले फाइनली आपको साउंड सुनाते हैं, फिर इसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों साउंड सुनाने के लिए गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। आइडलिंग में उतना ज़्यादा साउंड नहीं है, बट जैसे हम थ्रोटल को ज़्यादा रेस देते हैं गाड़ी को, वैसे ही एग्जॉस्ट से साउंड निकलना चालू हो जाता है। बट बहुत एकदम जो इरिटेट साउंड है, कभी लगता है इधर से कूलेंट से साउंड आ रहा होगा इसका, रेडिएटर से, या फिर इसके एग्जॉस्ट से साउंड आ रहा है। तो इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, हो सकता है इसका अंदर कुछ कंकड़ का टुकड़ा या फिर गोली वगैरह इधर से चला जाता है बैक साइड से, जब इस तरह से साउंड करता है। तो कंप्लीट इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमको ये जो 12 mm का एक बोल्ट इधर है और इधर भी एक LK का बोल्ट है, फिर फ्रंट में है, तो ओपन करने का व्यू आपको हम नहीं दिखा पाएंगे। ओपन तो कोई भी कर सकता है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है उसको कैसे सॉल्व करना उसके बारे में बताएंगे। और अभी फिलहाल मेरे पास एग्जॉस्ट अवेलेबल नहीं, हो सकता है कंपनी रिकमेंडेड में पास हो। गाड़ी का किलोमीटर भी आपको दिखा देते हैं, कभी इस प्रॉब्लम फेस करा, यहाँ देख पा रहे हैं आपको दिख रहा हो 9000 किलोमीटर गाड़ी रन हुई है, मात्र 9000 किलोमीटर में इस तरह से इशू आ गया है। तो फाइनली इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमको ये हाइपर भी निकालना पड़ेगा, तो चलिए फट से ओपन करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमें हाइपर खोलने के लिए 3 स्क्रू रिमूव करना पड़ता है, जो मैंने तीनों कर लिया है, फ्रंट का भी रिमूव कर रहे हैं। इसको ओपन करने के बाद ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, ये हमारा हाइपर बाहर निकल गया। अब इसके एग्जॉस्ट को ओपन करना पड़ेगा, तो एग्जॉस्ट को ओपन करने के लिए उधर LK का बोल्ट है, रियर साइड भी बोल्ट है, तो फट से ओपन करते हैं क्योंकि इधर का व्यू बहुत ही ख़राब है। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं फाइनली इसका एग्जॉस्ट मैंने कंप्लीट इधर से ओपन कर लिया है यहाँ से, बट इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अंदर ना गोली वगैरह कुछ गया, ना कोई भी टुकड़ा, क्योंकि इसके वैसे ही नॉर्मल इसमें कोई साउंड नहीं है। इस तरह से ऊपर नीचे करते हैं, बट इसमें कोई साउंड नहीं है। ये जब साउंड करती है जब इसके गाड़ी को स्टार्ट मारते हैं, एग्जॉस्ट का जो इसका थ्रोटल खींचते हैं जब इसमें साउंड करता है, तो इसको कंपनी रिकमेंडेड वापस भेजना पड़ेगा, ये न्यू मिलेगा। तो जब तक हम पार्ट्स का वेट करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास एग्जॉस्ट अवेलेबल नहीं है, जैसे ही आता है फिर नेक्स्ट बार आपको अपडेट देते रहेंगे। और जिन भाई के पास 4V है, अगर आपकी गाड़ी वारंटी में इस तरह से इशू आ रही है, तो आप उसको रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, कंप्लीट एग्जॉस्ट डाल देते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं इसके फाइनली एग्जॉस्ट को मैंने इंस्टॉल कर दिया, बट इसमें सॉल्यूशन भी नहीं हो पाया, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट अभी रिप्लेसमेंट होना था, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी इसमें एग्जॉस्ट हम असेंबल करेंगे, उस वक्त हम बताएंगे इसका प्राइस कितना है, फ्री में हो पाता है या फिर कॉस्ट लगता है, फिर आपको एक बार आवाज़ सुना दें। नॉइस अभी भी है, साउंड ख़त्म नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इसका एग्जॉस्ट लगाएंगे आपको हम देते हैं इसका इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर वॉच।